तो नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन सो so दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका वजन तुरंत बढ़ता जा रहा है अन इंटेंशनल अनएक्सप्लेन सडन वेट गेन और साथ में कमजोरी आ रही है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ तो इसका क्या कारण हो सकता है वॉट कैन बी द रीजन इज इट थारॉइड इज इट वॉटर रिटेंशन What कैन बी द रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ अन इंटेंशनल वेट गेन सो मतलब क्या है कि अगर आप उल्टा सीधा नहीं खा रहे उल्टा सीधा नहीं पी रहे और जैसा पहले करते थे उतनी ही एक्टिविटी पहले खाते थे उतना ही खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? ज्यादातर केसेस में इसका कारण होता है फ्लूड रिटेंशन पानी रिटेन होना एबनॉर्मल ग्रोथ कभी कभी कोई पेट में कहीं पर बॉडी के अंदर ग्रोथ एबनॉर्मल होने लगती है यंग uh, एज में ग्रोथ एबनॉर्मल होने लगती है बहुत ही यंग फीमेल्स में पेट के अंदर ग्रोथ होने लगती है प्रेगनेंसी की वजह से और साथ ही कई बार कई बार इसका कारण होता है मोटे मोटे स्टूल्स यानी हार्ड सकत स्टूल कॉन्स्टिपेशन जी हाँ कॉन्स्टिपेशन से आपके स्टूल नीचे मतलब वहां रह जाते हैं वहां पर रह रहे के भार बढ़ाते हैं। आपका सडन अन इंटेंशनल वेट गेन वन ऑफ द रीजन इज दिस बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज थर ऑल्सो हाइपोथि थायरॉइड प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन एंड वेरी वेरी कॉमनली कई बार ऐसा भी होता है अन इंटेंशनल वेट गेन जो होता है वो पीरियोडिक भी होता है पीरियोडिक मतलब थोड़ी देर वेट गेन हुआ फिर थोड़ी देर वेट लॉस हो गया फिर वेट गेन फिर वेट लॉस फिर वेट गेन फिर वेट लॉस फीमेल्स में ऐसा बहुत कॉमन है फीमेल्स में ऐसा पीरियड्स के साथ को रिलेट किया जा सकता है कई बार ये कंटिन्यूस होता है कई बार रैपिड होता है रैपिड वेट गेन इज लाइक रैपिड बढ़ गया ये क्या हुआ सो पीरियोडिक अगर हो रहा है पीरियॉडिक अनइंटेंशनल वेट गेन हो रहा है मतलब रेग्युलर रेगुलर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं दैट इज ड्यूरिंग योर मैंस्टुरल साइकिल दैट इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी एंड रैपिड अन इंटेंशनल वेट गेन हो रहा है दैट इज वेरी वेरी कॉमनली ड्यू टू दवाई उल्टी सीधी खा रहे हो आप रेपिड रैपिड अन इंटेंशनल वेट लॉस इज द साइड इफेक्स ऑफ मेनी टाइम्स वो मेरी टाइम्स दवाइयों के साइड इफेक्ट से होता है मेडिसिन so कौन सी दवा खा रहे हो किस चीज के लिए खा रहे हो क्या उस चीज के लिए uh, क्या इफेक्टिवनेस आ रही है दिक्कत हो रही है क्या हो रही है ऑल दीज थिंग्स है सर्टिंद एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज के रैपिड वेट गेन कभी कभी एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है बिकॉज इट माइट जस्ट लीड टू सम विच इज अकॉर्डिंग अ लॉट ऑफ वेट गेन सम फ्लूड इन साइड द बॉडी रिटेंशन कुछ ऐसी चीज़ें लाइक प्रेगनेंसी है तो कोई इमरजेंसी नहीं है इट्स वेरी वेरी कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज है फीमेल्स uh, में फॉर दिस एक्स्ट्रा वेट आपका होता है हार्मोनल चेम्ब हमने बता दिया है यंग uh, विमेन में भी होते हैं प्रेग uh, जिनको मेंसेस होते हैं और ओल्ड एज में 45 टू 55 के, के एज एज में मिनोपॉज के टाइम पे भी होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन क्या है वो मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है बिकॉज ईस्ट्रोजन कम हो जाता है इसके वजह से uh, होता क्या है वेट गेन होने लगता है अब रीजन पे हिप रीजन पे दैट इज दैट हैपन्स और ऐसे ल, बच, ऐसे फीमेल जिनको PCOD या PCOS पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनको भी यही चीज होगी थोड़ा कम होगा, हार्मोनल चेंजेस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन इन ड्यूरिंग वेट गेन इसके अलावा सेकेंड बिगेस्ट हार्मोन इज हो इज योर थायरॉइड जी हाथ थायर इज योर सो इफ योर एक्सेरेटर इज वेरी स्लो देन योर कार योर गाड़ी इन योर बाइक आपकी गाड़ी बाइक की आपके शरीर की स्पीड जो हो जाएगी कम अगर आपके चलने फिर की स्पीड बोलने की स्पीड कम हो जाती है तो जो हम आपको दस मिनट में समझा सकते हैं वो हम फिर आधा घंटा लगाएंगे और जो आप जितना एनर्जी बर्न करते थे दस मिनट में वो आप आधा घंटा लगाओ तीन गुना ज्यादा दो गुना ज्यादा एनर्जी यानी आपकी स्पीड कम तो दैट मीन्स आप

कॉर्टिसोल नामक हार्मोन है आपका स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो कतई खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है उसका एक ही काम है कि कहीं से भी लो पर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा दो कहीं से भी लाओ फैट कुछ गलाओ चमड़ी गलाओ लिवर गलाओ आई डोंट केयर प्रोटीन गलाओ मेरे को मेरे को बहुत सारी शुगर चाहिए ब्लड के अंदर बिकॉज मेरे को पता नहीं किस शेर चीता जानवर बिजली खुंखार डरावनी चीज से भागना बिकॉज इट्स अ स्ट्रेस अस्ट्रेस इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस प्यार वाला स्ट्रेस एग्जाम वाला स्ट्रेस पैसे वाला स्ट्रेस लोन वाला स्ट्रेस आई डोंट केयर उसके लिए इतना है कि तुमको वहां से भागना है तो उसके लिए शुगर लेवल बढ़ा दो सो कॉट विल इंक्रीज योर शुगर लेवल एंड अल्टीमेटली स्लोली दैट शुगर विल गो एक्मिनेट इन योर पेट सेंट्रल ओबेसिटी भम्पड बैक सो दैट इज कुशिंग सिंड्रोम हाई कॉर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम कुशिंग सिंड्रोम एंड फिर हॉर्मोन्स में आता है आपका एल्डोस्टिर uh, एल्डोस्टिरोन अगर ज्यादा आ जाता है तो वाटर रिटेंशन आपका होता है खार तरीके से सो दीज आर द रीजंस रिलेटेड टू हॉर्मोन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी आपका वेट गेन होता है बिकॉज योर बॉडी रिटेन्स मोर वॉटर आपकी पानी रिटेन करने लगती है ड्यूरिंग योर साइकिल ब्लोटिंग होती है राउंड टाइम ऑफ पीरियड पीरियड के पहले आपको ब्लोटिंग होगी पीरियड के बाद खत्म होने के बाद रिलीफ हो जाएगा सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम योर वेट विल इंक्रीज सो फीमेल्स के लिए उस चीज को कंसिडर करना चाहिए हमारे वेट लॉस प्लान में भी जब फीमेल का प्रोवेजर नहीं बढ़ता मुझते पीरियड चल रहा है फिर वो अच्छा डोन्ट वेरी इट इज अ जस्ट वॉटर वेट वाटर अटेंशन ठीक हो जाएगा चिंता न को चिंता मत करिए राइट सौ दिस इज अः दिस इज द फ्लुइड रिटेंशन क्या होता है भैया अनएक्सप्लेन रैपिड वेट गेन फ्लूड रिटेंशन की वजह से होता है मतलब आपकी बॉडी में कभी चमड़ी के नीचे कभी सेल्स के अंदर पानी जमा होने लगता है दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी 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 रीजन्स कभी कभी पेट में भी कभी चेहरे में भी कभी पेट पैर हाथ फेस एबडामन कुछ चीज़ें फूजी सूजी लग सकती है इसके थोड़े नॉर्मल रीजन्स भी हैं जैसे साइकिल जैसे कि ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस और जैसे कि ओवरी डिजीज और कुछ सीरियस रीजनस भी है जैसे कि किडनी फेलियर किडनी फेल हो रही है हार्ट फेल हो रहा है लिवर फेल हो रहा है इन तीनों में आपकी बॉडी में इस तरह की सूजन आ सकती है नहीं उसके कैसे किडनी के लिए ज्यादातर सूजन आपके पूरे शरीर में फेस पे पहले स्टार्ट होती है हार्ट के लिए ज्यादातर सूजन पैरों में पहले स्टार्ट होती है और लीवर के लिए ज्यादातर सूजन पेट में पहले स्टार्ट होती है बट सूजन पूरी बॉडी में आ सकती है उसके वजह से क्योंकि पॉडी में पानी जमा हो रहा है सो फ्लू रिटेंशन विल कॉज वेट गेन रैपिड वेट गेन दैट्स वाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एग्जामिनेशन के लिए पास जाना चाहिए डॉक्टर के पास डॉक्टर करेंगे आपका टेस्ट की भी क्या हो रहा है और दवाइयां कौन सी दवा है जो आपका वेट गेन करेगी नंबर वन इज स्टेरॉइड कॉर्टिको स्टेरॉइड दैट इज कार्टिकोसटीरोइड इज इक्वल टू कार्टिसोल कार्टिसोल कार्टिकोस्टीर नॉट रिमेंबर शुगर 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 वेट गेन सो कार्टिकोस्टीरोड जो के आजकल कोविड के लिए भी दिए जाते हैं सो so, वो भी वेट गेन करेंगे शुगर बढ़ा देंगे शुगर खराब कर देंगे शुगर बिगड़ जाती है दैट्स अ वन ऑफ द थिंग्स देन एंटी डिप्रेशन एंटी साइकोटिक मेडिसन्स एंटी स्ट्रेस मेडिसंस एंटी नींद नींदी नींद की गोलियां एंटी इनिया मेडिसन्स एंटी स्ट्रेस एंटी डिप्रेशन दीज मेडिसो कॉज वेट गेन उसके अलावा oral contraceptive pills birth control pills will also cause weight gain so these are the reasons why you can get weight gain to so, agar कई बार ऐसा भी होता कि वेट गेन हो रहा है सडन हो रहा है अर्जेंट हो रहा है बिल्कुल रैपिड हो रहा है आपको सिम्टम पैदा होने लगे ऐसे एकदम तो वन स्किन स्ट्रेच हो रही है स्किन सेंसिटिव बढ़ गई स्किन में इचिंग हो रही है स्किन में स्कार आ रहे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं शॉर्टनेस कभी कभी वजन बढ़ गया इतना बढ़ गया कि आपको सांस फूलने लगे आपको <laughs> डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी हार्ट पालपिटेशन हो, हो पसीने आ रहे हैं आपको विजन में प्रॉब्लम होने लगेगा आपको किसी किसी को फीवर भी होता है रैपिड वेट गेन के साथ तो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड ये हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं कि यह हो सकता है ये वो हो सकता है सो गुड डॉक्टर विल फाइंड आउट डिटेक्ट

very important please do that thank you so much stay connected stay healthy i am dr paramjeet you are watching doctor education